morning to all students. मैं डॉक्टर अर्चना पटेल सहायक प्राध्यापक इतिहास पेटीएम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर मैं आप सभी के समक्ष ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हो रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे द्वारा जो भी चीज़ें लेक्चर डिलीवर की जा रही है आप भी ऑनलाइन के माध्यम से डायरेक्ट तो हम एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से ही हम एक दूसरे को देख तो नहीं रहे लेकिन एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा जो हमसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि आप भी हमें सुन रहे हो देख रहे हो ठीक है। तो बच्चों यहाँ पास हमने आपको लास्ट टाइम यानी कल के लेक्चर में हमने आपको ये 1857 की क्रांति के बारे में बताई थी और उसके अलावा हमने आपको कोरोना से जुड़ी हुई बातों के बारे में भी समझाया था। तो हमें ये पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और जो घर बैठे आपको सुविधा दी जा रही है उस सुविधा का आपको लाभ उठाए ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या झेलनी ना पड़े क्योंकि जब हम अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी व्यक्ति से मिलेंगे ठीक है। तो जाने या अनजाने में ही सही हमसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति टच हो जाएगा जिससे हम ना चाहते हुए भी हम किस तरह की बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई इसलिए क्योंकि हमारे महाविद्यालय के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है आप घर बैठे इसका लाभ उठाएं ठीक है। तो यहाँ पास हमने आपको कल के टॉपिक में आप क्या बताया था 1857 की क्रांति के बारे में ठीक है। 1857 की क्रांति में हमने आपको स्वरूप कारण प्रारंभ विस्तार असफलता के कारण तत्कालीन कारण के बारे में बताया कि इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे जिसमें हमने आपको मुख्य बिंदु पार्मस्टन के बारे में बताया जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ठीक है। हमने आपको बहादुर शाह के बारे में बहादुर शाह द्वितीय के बारे में बताया जो अंतिम मुगल शासक था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है। फिर इसके बाद किस तरह से उसको कहाँ से कर दिया जाता है ये सारी चीज़ें हमने आपको कल बताई। इसके अलावा हमने विद्रोहियों का प्रतीक चिन्ह भी बताया कि कमल का फूल और रोटी क्या था विद्रोहियों का प्रतीक चिन्ह था इसको इसके नारे से वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे ठीक है। इसके अलावा हमने आपको कैंपबेल के बारे में बताया कि कैंपबेल ने किस तरह से सेना का संचालन किया मतलब विद्रोहियों का दमन किया था ठीक है कैंपबेल ने ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पे आपसे बात की थी। अब फिर इसके बाद आगे की बात 1857 की क्रांति के स्वरूप की तो इस बिंदु के बारे में भी हमने आपको क्लियर कर दिया था कि किस तरह से जो है तो 1857 की क्रांति में इतिहासकारों का एक मत नहीं पाया जाता वहाँ पर विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न विभिन्न मत है। जैसे हमने आपको एक चीज और बताई थी कि आप बीबी सावरकर के अनुसार बीडी सावरकर के अनुसार तो ये क्रांति का इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है कि ये जो है तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है क्या है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं किसको 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। किसके द्वारा कहा गया तो ये बीडी सावरकर के द्वारा किसके किस स्वरूप के अंतर्गत ठीक। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम मेन जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है कारण 1857 की क्रांति के कारण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं कारण की तो कारण में कौन कौन से कारण है आपको ये जान लेना जरूरी है ठीक है। कारण में जो है आपका सबसे पहला क्या है हमेशा की तरह हर एक चीज में एक चीज छाई रहती क्या है पॉलिटिक्स राजनीति यहाँ पास में क्या है आपका पहला राजनीतिक कारण राजनीतिक कारण ठीक एक हो गया। दूसरा हो गया क्या है आपका आर्थिक कारण ठीक। नेक्स्ट आपका क्या हो गया सामाजिक एवं धार्मिक धार्मिक कारण ये भी सबसे ज्यादा प्रभावित किया है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। और इसके अलावा एक क्या कारण था आपका सबसे ज्यादा ये आगे की तरफ फैला था क्या सैनिक
शैलिक कारण अभी जब हम बात करेंगे तो इससे भी आपको समझ में आएगा। और फिर इसमें भी आपका एक और आ जाता है क्या, तत्कालिक कारण। ये सभी इसके चपेट में आ रहे थे और कहीं ना कहीं क्रांति का ये सबसे
और लास्ट में आकार। ठीक है बच्चो, यहाँ पास ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत आपका क्या है, कर में वृद्धि, कृषि उद्योग, उद्योग और आकार। यहाँ पास ये चारों चीजें क्यों महत्वपूर्ण है, तो आर्थिक कारण। ब्रिटिश हुकूमत की जो भारत में साम्राज्य विस्तार की धारणा थी किस लिए थी, आर्थिकता को अपने मतलब ब्रिटेन की आर्थिकता को और अधिक मजबूत करने के लिए। तो उसके लिए उसने क्या किया, कर में वृद्धि की। जब कर में वृद्धि की यहाँ पास उद्योग प्रभावित होने लगे, और जब उद्योग प्रभावित होने लगे तो कृषि उद्योग भी प्रभावित हुआ, और कृषि की कृषकों की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि पूरी तरह से डैमेज हो रखी थी, और हालत ऐसी हो चुकी थी कि अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी, तो भुखमरी का शिकार होने लगे लोग। और जब इस तरह से भुखमरी का शिकार होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी और आंदोलन होगा, क्यों, अपने अधिकारों के लिए। तो यहाँ पास एक कारण क्या था आपका, आर्थिक कारण है, इसलिए 1857 की क्रांति के लिए, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सबसे बड़ा जो मेथड कर में वृद्धि करना, कर के कारण, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उन करों को नहीं भुगतान कर पा रहा था, जिस कारण से उद्योग बंद हो गए, कृषि कृषकों की स्थिति गंभीर हो गई, और जिस कारण से अकाल की स्थिति निर्मित हो गई, और इन सभी के कारण क्या उत्पन्न हो गया, विद्रोह, जो कि 1857 की क्रांति में आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो बच्चों आज का हम अपना टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं, हम आपको कल मिलेंगे फिर से ये 1857 की क्रांति के कारण में सामाजिक एवं धार्मिक नीति को लेकर, कि 1857 की क्रांति में आखिर क्या ऐसा सामाजिक एवं धार्मिक प्रभाव था जिस कारण से ये 1857 की क्रांति हुई। तो तब तक के लिए आप इनको समझते रहिए, हमने आपको पिछले लेक्चर में स्वरूप के बारे में बताया, उसके बारे में भी आप पढ़ते रहिए, ये भी पढ़ते रहिए, और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए आप ग्रुप के माध्यम से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन करिए तभी हमको भी समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर हम कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और मैं आपसे बार बार अपील यही कर रही हूँ कि हमारे महाविद्यालय के द्वारा यदि आपको सुविधा दी जा रही है घर बैठे पढ़ने की, तो आप इस सुविधा का लाभ उठाएं, आप उठाएं, आपसे जुड़े हुए जो छात्र हैं उनको भी आप इस सुविधा के बारे में बताइए, और साथ में घर बैठे इस तरह की पढ़ाई को आप करिए। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में हम डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे बात करें, तब तक के लिए आप हमें इसी तरह से सुनते रहिए, हम भी आपको इसी तरह से पढ़ाते रहे। ठीक है, तब तक के लिए हम कल आपसे फिर से